हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 6। अब स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट होते क्या है, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड। अब ए इंटू ए को हम लोग ए स्क्वायर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न में कोई भी नंबर लिखाओ, हम लोग उसको बोलेंगे स्क्वायर। जैसे वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, थ्री का स्क्वायर थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन, फाइव का स्क्वायर फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू 25। ऐसे ऐसे करके जो ये है इनको बोला जाता है स्क्वायर्स। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर्स की। इसमें जो 1, 2, 3, 4 ये है वो स्क्वायर नंबर है, और फिर ये जो इसका निकल के आ रहा है 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये इनको बोलेंगे स्क्वायर्स। अब प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी कोई नंबर है, सपोज उसके यूनिट प्लेस पे वन आए, या फिर यूनिट प्लेस पे वन आए, तो वो किसका स्क्वायर होगा, या तो वन का होगा, मतलब उसका स्क्वायर जो भी होगा उसकी यूनिट प्लेस पे भी वन आएगा, और जब स्क्वायर हम उसका निकालेंगे तो वहां पे भी वन आएगा। सपोज वन का निकाला तो यूनिट प्लेस पे वन, इलेवन का निकालेंगे 121, 21 का निकालेंगे तो 441, मतलब यहाँ यूनिट प्लेस पे भी वन और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे वन। अब एक अगला पैटर्न होता कि अगर यूनिट प्लेस पे सिक्स आए, यूनिट प्लेस पे सिक्स आए, तो ये नंबर किसका, या तो फोर का स्क्वायर होगा या फिर सिक्स का, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे फोर आएगा या फिर सिक्स आएगा। जैसे फोर का स्क्वायर 16, सिक्स का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, यूनिट प्लेस पे 6 है, और फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा, या तो 6 है या फिर 4 है, 6 है या फिर 4 है, तो ये प्रॉपर्टी है। अब कुछ फैक्ट्स हैं स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर्स के, तो हम उनको देखेंगे। जैसे एक फैक्ट है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। सपोज एक स्क्वायर नंबर क्या है, वन है, दूसरा स्क्वायर नंबर फोर है, तो इनके बीच में जो भी डिजिट्स आएंगे, इनके बीच में क्या क्या डिजिट आएंगे, वन सॉरी टू और थ्री। ऐसे एक स्क्वायर नंबर हम लोग ले लेंगे फोर और दूसरा ले लेंगे नाइन, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9। जब भी हम इनको निकालेंगे कि कितने नंबर्स बीच में आने हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता। जब भी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में पता करने हो कि कितने नंबर्स आते हैं,
तो उनका फॉर्मूला होता है, सपोज एक नंबर है एन, दूसरा नंबर है एन प्लस वन, तो इसको निकालने, इसके बीच में नंबर्स निकालने का फॉर्मूला होता एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टू एन प्लस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है इसका, एडिंग ऑड नंबर्स। जब भी हम दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, जब भी कोई भी हम स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ठीक है। अब जब भी हम इनको ऐड करेंगे, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर, वन प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि जब भी हम अगर दो दो ऑड नंबर स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो नंबर ऐड होके आएगा वो क्या है, दो टू का स्क्वायर, मतलब दो नंबर्स का स्क्वायर। यहाँ पे तीन नंबर्स को ऐड किया तो ये क्या है, थ्री का स्क्वायर। ऐसी सेम वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू सिक्सटीन, वन टू थ्री फोर, फोर नंबर का स्क्वायर। ये एक फैक्ट है। अब जब भी कोई फैक्ट है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब जैसे कि हम देखें थ्री का स्क्वायर क्या है, नाइन। अब नाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर प्लस फाइव, ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब जैसे एक हम लोग ले लें, फोर फोर है, टू का स्क्वायर फोर, तो ये किसका है, वन एक और एग्जांपल है इसका, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। अब ये क्या है, ट्वेल्व प्लस थर्टीन, ठीक है, ये इसका स्क्वायर होता है। सेम सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, ये क्या है, ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर का स्क्वायर्स देख रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ ऑड लिया। तो इसमें फैक्ट क्या बनता है कि जब भी हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो जो नंबर निकलेगा, जो स्क्वायर होके जो नंबर आएगा, वो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होगा। ठीक है, अब सपोज ये फोर जो है, अब हमने हमने यहाँ पे थ्री का स्क्वायर निकाला था, तो थ्री प्लस वन डिवाइड बाय टू, थ्री स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय टू, और दूसरा नंबर क्या होगा, थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय टू। अब यहाँ पे हमने किया थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, नाइन माइनस वन बाय टू, तो इसे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एट बाय टू फोर, तो ये हो गया पहला नंबर। और यहाँ पे क्या था, नाइन प्लस वन बाय टू, टेन बाय टू, तो ये निकल के आया था फाइव, तो ये हो गया दूसरा नंबर। ये निकाल, ये अगर कोई भी हमें नंबर दिया गया है तो ये उसका, उसके अदर जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनको निकालने का तरीका है। सपोज हमें यहाँ पे दिया गया इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन, अब हमें इसके नंबर निकालने कि ये किसका एडिशन है, कौन से दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर होगा जो इलेवन स्क्वायर माइनस वन बाय टू, और दूसरा नंबर होगा इलेवन स्क्वायर प्लस वन बाय टू, वन ट्वेंटी वन माइनस वन टू
टू प्लस 121 प्लस 1 बाय 2 120 बाय 2 122 बाय 2 60 प्लस 61 तो ये इसका टोटल क्या होगा 161 सॉरी 121 सेम अगर हमें कोई भी n स्क्वायर के बारे में हमें बताना है कि n स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसमें कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो उसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और दूसरा नंबर है n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 ठीक है अब जो अगला फैक्ट है सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स का देखेंगे हम तो 11 अब पहले हम लोग देखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 13 143 is equal to 12 square minus 1. अब हमने क्या किया 11 into 13 किया उसका आंसर क्या है 143 अब 11 के बीच में कौन सा नंबर आता है 12 तो इसका ये जो 143 है वो क्या है 12 square minus 1 12 का square क्या होता 144 minus 1 तो इसलिए 11 into 13 इक्वल है 12 स्क्वायर माइनस 1 के यहां से ये निकल के आएगा इलेवन इंटू 13 इज इक्वल टू अब हम 11 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते 12 माइनस 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और 13 को 12 प्लस 1 ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया अब ये किसके बराबर है 12 स्क्वायर माइनस 1 के तो ये एक हमारा एक फॉर्मूला भी होता a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 ये आगे चल के ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा सेम और भी पैटर्न्स होते इसके जैसे 13 इंटू 15 कर लो आप 17 इंटू 19 21 इंटू 31 तो उनको चेक करके आप लोग इस प्रॉपर्टी को इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे सीधा एक्सरसाइज नंबर 6.1 की द डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हमें यूनिट डिजिट बतानी जो नंबर्स हैं पहला नंबर क्या है 81 तो 81 किसकी यूनिट डिजिट है 1 सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 अब 1 का स्क्वायर क्या है 1 ऐसी सेम जो 272 दिया है इसकी यूनिट प्लेस क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा 4 सेम ऐसी 799 है 799 पे यूनिट प्लेस पे क्या है 9 9 का स्क्वायर 81 ठीक है इसमें इतना ही है बाकी इसके आगे में आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करना अब नेक्स्ट है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिव रीजंस अब जो नंबर्स में दिए गए हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते
जो हमने अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का सिक्सटीन, फाइव का ट्वेंटी फाइव, ऐसे ऐसे करके जो स्क्वायर्स रहते हैं इन नंबर्स के, तो इन स्क्वायर्स को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर्स। और बाकी के इसके अलावा जो नंबर्स बचते हैं जैसे टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, ये जितने नंबर्स बचते हैं वो लोग वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अब एक एक चीज और होती है परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं वो अपनी यूनिट प्लेस पे, उनकी एक आइडेंटिटी रहती कि वो अपनी यूनिट पे जीरो वन फोर फाइव सिक्स और नाइन, हमेशा जब भी कोई भी स्क्वायर होगा तो उनकी यूनिट प्लेस पे यही छह नंबर आएंगे, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट है 1057। अब हमें ये बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिट प्लेस पे ये नंबर होने चाहिए, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है सेवन, तो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड में भी सेम रीजन है, थर्ड में भी सेम रीजन है, फोर्थ में भी सेम रीजन है, और आगे आगे भी सेम लगभग सेम ही रीजन है सबका, क्योंकि यहाँ पे जो है यूनिट प्लेस पे उन्होंने इनमें से कोई भी एक नंबर नहीं है। थर्ड है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, अब हमें बताना है कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनके उनमें से किसका स्क्वायर ऑड आएगा। अब हमें फर्स्ट है 431, अब इसका यूनिट प्लेस क्या है वन, तो वन का स्क्वायर क्या होता वन, तो जब भी यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा, अगर यहाँ पे इवन होगा तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन आएगा। तो इसमें यही रीजन था। अब फोर्थ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, ये एक पैटर्न है, इसमें हमें डिजिट फाइंड करनी, जैसे 11 का स्क्वायर 121 दिया हमें, 101 का स्क्वायर क्या दिया 10201, 1001 का स्क्वायर क्या दिया 100201, तो 14 टाइम्स 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। हमने देखा जब यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, यहाँ एक जीरो है तो यहाँ भी क्या है एक जीरो, यहाँ पे दो जीरो तो यहाँ पे भी दो जीरो, अब यहाँ पे चार जीरो हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हम लोगों ने पैटर्न देख के इसका आंसर बता दिया। ऐसी सेम यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 यहाँ 60 यहाँ। फिफ्थ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, अब इसमें भी हमें पैटर्न समझ के उसका आंसर देना, क्या है पैटर्न 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10201, 10101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10203021, और सेम यहाँ पे क्या है 10101 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या पैटर्न आएगा, अब हम जब यहाँ पे देखेंगे कि जीरो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो है, उसके बाद
अब यहाँ पे वन के वन जीरो वन जीरो है, तीन डिजिट हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आया, वन जीरो टू जीरो, फिर यहाँ पे क्या आ गया, थ्री जीरो टू जीरो वन। तो सेम यहाँ पे जो है वन 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 टू थ्री फोर फाइव डिजिट हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन जीरो टू जीरो तो स्टार्ट में आ ही गया, उसके बाद थ्री जीरो फोर जीरो थ्री जीरो टू जीरो वन, ये तो हमारा चल ही रहा था, ये तो चल ही रहा था, बस यहाँ पे चेंज हुआ थ्री जीरो फोर जीरो थ्री जीरो। अब जो नेक्स्ट है इसमें इसमें दिया गया है वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव जीरो फोर जीरो थ्री जीरो टू जीरो वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे कितने पेयर बन रहे थे एक्स्ट्रा, वन टू थ्री, यहाँ पे कितने बनेंगे, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन स्क्वायर, यहाँ पे एक पेयर और एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसका आंसर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन सिक्स है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ये भी सेम है, हमें पैटर्न को समझना है और उस हिसाब से आंसर देने। आई क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आप लोग उनको करना। इस वीडियो में इतने, फिर आगे में।